वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल डिजाइन विद चंद्रकांत। सो गाइस, हम लोग शीट मेटल को सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखते हैं इससे कुछ और भी ऑप्शंस को। तो पहले तो मेरे पास ये एक शीट मेटल बना हुआ है, इस तरह से रफली एक शीट मेटल बना हुआ है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो ऑप्शन है नेक्स्ट उसे देखते हैं, ब्रेक कॉर्नर को। ब्रेक कॉर्नर मीन्स ये बिल्कुल फिलेट की तरह वर्क करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ब्रेक कॉर्नर के लिए हमने इसका एज को सेट करना होता है। एज को यहाँ सब देख सकते हैं, ये फिलेट पहले से ये इस तरह से था, शार्प एज था। अब ये फिलेट में ये स्मूथनेस क्रिएट कर रहा है अभी, और ये जो रेडियस है यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 5 mm, 10 mm बेंड रेडियस, क्योंकि ये शीट मेटल के लिए नहीं है, ये ऑपरेशन के लिए। तो ये हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है जो कि चैम्फर है, तो ये भी अगर 10 mm अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया तो यहाँ से ये 5 mm कट हुआ है और यहाँ से ये 5 mm कट हुआ। तो चैम्फर अगर चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लेंड है जो कि बिल्कुल स्मूथनेस क्रिएट करता है। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन पे यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये जो सेकंड वाला एज है, ये सेकेंड एज, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया, अगर चैम्फर बनाना चाहते हो आप तो इस वाले एज को सेलेक्ट करो। और यहाँ पे चैम्फर है इस तरह से, तो इसका हम लोग वैल्यू दे देंगे दोनों तरफ से, यहाँ से 5 mm और यहाँ से 5 mm। अगर 10 mm देंगे वैल्यू तो और भी वो बड़ा बनेगा, 10 mm बोथ साइड से वो कट कर देगा इसको। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है, तो किस तरह से यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है कि फर्स्ट में कितना रखना है और सेकेंड में कितना रखना है। अगर मैं इसे 5 कर देता हूँ, सेकेंड में 10, मीन्स हम लोग इसके बोथ दोनों साइड को अलग अलग डिस्टेंस पे सेट कर सकते हैं, बट ये जो सिमेट्रिक होगा उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी देना होता है, मैं उसके बाद इसे ओके कर देते हैं। तो इसके बाद जो ऑप्शंस है अब हम लोग उसे देखते हैं। तो मैंने इस तरह का बेंड शीट मेटल बना रखा है, क्योंकि हम लोग इसके कुछ टूल्स को देखेंगे। मैंने रफली इस तरह से बना रखा है बस। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे देखते हैं, अनबेंड को। मीन्स ये जो यहाँ पे सारे दिख रहे हैं यहाँ पे बेंड किया हुआ, तो उसके बाद हम लोग क्या करना है कि ये जो बेंड किया हुआ है हम लोग उसे अनबेंड करेंगे। तो हर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अनबेंड, तो उसके बाद यहाँ पे जो बोल रहा है वो सेलेक्ट फेस और एज, तो हम लोगों ने को इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट फेस बेंड जहाँ से है तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से वो बेंड था, अब यहाँ पे फ्लैट हो गया, बिल्कुल अनबेंड हो गया। ओके, उसके बाद फिर से इसी तरह से देखते चलते हैं, ये जो इस वाले फेस को इस वाले एज के साथ हमें इसे चेंज करना है। ओके, इस तरह से किसी बेंड प्रोफाइल को अनबेंड कर देते हैं इस तरह से। तो और भी यहाँ पे जैसे, तो अनबेंड पे क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं और इसके बेंड रेडियस को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसे ओके कर लेते हैं। तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रीबेंड। रीबेंड में बिल्कुल सेम उस तरह से वर्क करेगा कि जिस तरह से हमने इसे अनबेंड किया था उसी तरह से हमें रीबेंड भी करना होगा। तो फर्स्ट ये जो बेंड रेडियस है यहाँ से इसे फोल्ड कर देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, फिर से रीबेंड पे क्लिक करते हैं और इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और फिर से रीबेंड पे क्लिक करते हैं और इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट में बना हुआ था ये बिल्कुल इस तरह से बना हुआ था। तो ये रीबेंड और अनबेंड का ऑप्शन है यहाँ पे। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।